सतेज सकाल को स्वागत करो सहित अच्छा मो सहयोगी निवेदिता निवेदिता जमीती कि सतेज सकाल आम प्रत्येक दिन आलोचना करू था आज गुरुत्वपूर्ण खबर कौन रही खबर कागज शिरोनामा कौन सब खबर पलटी था एमती अनेक प्रसंग आम पाखे रही जदि आज देखा अनेक प्रसंग रही जमीक दक्षिण ओडिशा छुईला मौसुमी वायु ये हूँ गोटे प्रथम खबर रही रही सेल्र सब हस्पिटाल एक्मो मेसीन रखा को निर्देश ये गोटे खबर रही सहित रही निजुक्ति संक्रांत में कि पदक्षेप नहीं जना हाइकोर्ट को निर्देश विचार व्यवस्था उपरे कोरोनार प्रभाव केबे लाघव हेब कंटघाई दुख एवं या सहित रही आ गोटे खबर एथर भी भक्त शून्य रथजात्रा ये सब खबर को नहीं आम तमाम आलोचना करवा आम सहित आम प्रतिनिधि मैंने विभिन्न स्थानों जोड़ी हे और खबर प्रसंग में जो मैंने पूरा अपडेट आमको देवे निवेदिता जो देखा प्रथम खबर जमती रही चाहिए जी आप प्रथम खबर कौन आम विस्तृत आलोचना करने को चाहते चिन्मय आज जमी कहते आम प्रथम खबर रखी दक्षिण ओडिशा छुईला मौसुमी वायु आप जानते चिन्मय सब जून मस रही मौसुमी ओडिशा छुए और मौसुमी प्रभाव में राज्यर तमाम अंचल वर्षा जारी तारी पदरे रज जिते पड़ुचे रज सब बर्षार भिजे एक जानते चलित थर मत आज ओडिशा छुँची मौसुमी और जो अनेक जिले में बर्तमान बर्षा आरंभ हो गला तमाम घटना को नहीं आम अपडेट ना आम प्रतिनिधि आम सहित सुशांत जोड़ी हे खूब शीघ्र सहित आलोचना करवा वास्तविक केत समय लगे मौसुमी ओडिशा छुईवा को क्यों क्यों जिले बर्षा आरंभ हो गला क्यों जिला कतोटी भाग में विभक्त कर कहीं रेड येलो और ग्रीन जोन में विभक्त कर विशेषकर क्यों क्यों जिला क्यों क्यों जिले में अधिक वर्षा हो क्योंठे केत मात्रा वर्षा हो क्यों जिला प्रभावित हो बाबद सीधासखे आलोचना करें आम सहित सुशांत साहू आम रिपोर्टर जोड़े अपडेट ना सुशांत जहाँ कहुचा छुई सारी मौसुमी जो बर्षा अनेक जिले में आरंभ हो गला वास्तविक बर्तमान समय अपडेट कौन आसू जे क्यों क्यों जिले में विशेष मात्रा में प्रभावित हो क्यों क्यों जिला को केते जोन में विभक्त कर देखु निवेदिता आपण जो कथा कहते दक्षिण पश्चिम जो मौसुमी वायु गत काली ठार ओडिशा छुई सारी मौसुमी वायु ओडिशा छुईवा पूर्वर देखि जोटा प्राक मौसुमी वर्षा ओडिशार विभिन्न स्थान होता है और से वर्षा विभिन्न स्थान अनुभूत होता कि गत काली ठार जो मौसुमी वायु दक्षिण ओडिशा छुई सारी प्रभाव में राज्यर अनेक जिले में वर्षा हबार संभावना अच्छी जहाँ आम पाखे पाणीपाग विभाग पक्षर अपडेट दि जा 24 घंटा मध्य समग्र ओडिशा रे यार जो प्रभाव रही है प्रभाव अनुभूत हम और जो जिला गुड़िक विशेष परिमाण में वर्षा हबार अच्छी ताकू विभक्त करा विशेष भाव ऑरेंज वार्निंग एवं येलो वार्निंग किसीटा जिला को जारी करा अन्य पक्षरे जो 11 रु 14 तारीख जाए मानने पवन बेग बढ़ा लगे एपं कौन मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवाकू मना करा सहित जो गुड़िक तलिया अंचल रही जो गुड़ाक बन्या पीड़ित अंचल से ही स्थान बन्या होबार आशंका रही तेणु से ही जो जिला गुड़िक रही से जिलार जिलापाल मानू आलर्ट कर विशेष भाव में जो बन्या परिस्थिति जदि देखा जाए प्रबल वर्षा जो से बन्या परिस्थिति की कौभली भाव मुकाबिला करहब से नहीं कौन पदक्षेप नाकू कह अपरपक्ष आप देखि किसी दिन तले बात्या यस आसाला यस विशेषज्ञ जहाँ सूचना दौले शुक्रवार सकाल सुधा ये मौसुमी जिते बा घूर्णी बल शुक्रवार सुधा यह लघुचाप परिणत हो वर्तमान सुधा लघुचाप परिणत हो ना कौन सूचना आस निश्चित भाव चिन्मयी जहाँ आम पाखे सूचना अच्छी ये गत काली ओडिशा छुई सारी सहित यार प्रभाव में वर्तमान सुधा कौन सेमती किसी अपडेट आसी नहीं किंतु जहाँ सूचना मिली यार प्रभाव में अनेक स्थान मानने प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावना रही जहाँ आमको गत काली जहाँ सूचना मिलता जे 24 घंटा समय मध्य यह समग्र राज्य में यार जो प्रभाव रही यार प्रभाव अनुभूत हो जाकि आज ठार राज्य अनेक जिला मानक यार प्रभाव अनुभूत होगाक लगे दक्षिण वर्षा जारी रही दक्षिण ओडिशा वर्षा हो सारी बाकी रही बाकी अंचल गुड़िक तेज आज शुक्रवार प्रबल अधिक प्रबल वर्षा हाँ नहीं पूरा राज्य में विशेषज्ञ मैंने सूचना देखते 14 तारीख पर्यटन जदि देखा वर्षा संपूर्ण भाव में अधिक प्रबल अति प्रबल हम जहाँपी पूरा प्रशासन को किभली आलर्ट रहा पड़ो से नहीं सजाग कर बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत
ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର तमाम सूचना ପାଇ ନିବେଦିତା ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନିବେଦିତା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ବି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ପର ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଗତକାଲି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ରିଲିଫ କମିଶନର ସି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟରେ ଯେ ଚଳିତ ଥର ପୂରା ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳି ସାରିଛି ଘୋଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କହିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା ହେବ ନା ହେବନି ଇଏ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଶୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ତାପରେ ଅଧିକ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳି ସାରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ରଥରେ ବସିଥିବେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିବେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାରେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କଟକଣା ଆସିଛି ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଆସିଛି ଯେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଆରଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଅନେକ କଟକଣା ଆସିଛି ପୁରୀ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନାହିଁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ ପୁରା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ସଦାସଙ୍କ ଚିନ୍ମୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆଲୋକ ରଥଯାତ୍ରା ହବ କି ନାହିଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ବେଶ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ସାରିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିସାରିଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କିନ୍ତୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପୁରୀବାସୀ ଏନେଇ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବଥର ବେଶ ସହମତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ମିଳିବନି ଆଲୋକ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିନା ଭକ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ କିମ୍ବା 24 ଘଣ୍ଟାର ଆରଟିପିସିଆର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ରଥରେ 500 ଜଣ ସେବାୟତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମିଶିକି ସାମିଲ ହେବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଦାବି ରହୁଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହୁ ନିବେଦିତା କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ଭକ୍ତ ବିହୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କାଲି କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନିଆଗଲା ବେଶ ଭଲ କଥା ଏବଂ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ରଥରେ 500 ଜଣ ରହିପାରିବେ ଯାହାର ଅନୁମତି ରହିଛି ଯାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତେବେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଆରଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି କି ନା ସେମିତି କିଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତମାନେ ରହିବେ ଅନେକ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ତ ଟିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସେବାୟତମାନେ ପରମ୍ପରା ସହିତ ନୀତି ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖାଲି ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଥିଲା ଜୁନ 24ରେ ରହିଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରୁ ବା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ କଟକଣା ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମାପନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଲୋକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଯେ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ରଥ ମହାଣ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ
आलोक सुनी पड़चुंदी तबे निवेदिता आलोक आम जानलु जे वास्तविक भाव में जिते बड़े का प्रतिक्रिया नौलु जे केवल पूरी मंदिर छड़ा आउ कौटी घोषजात्रा अनुषित होबनी अन्य जो कथा कह बलदेवजी मंदिर कथा कहतु आप जानते बारीपदार जगन्नाथ मंदिर ये सब गोटे प्रकार नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर ये सब प्रसिद्धि लाभ करेठार कितु अनुषित होबनी रथजात्रा जो कि कल सेवायत सेठाकर जे रथ महाराणा से सब अनेक दुख प्रकाश करुले निवेदिता देखु आप जो कथ पचारे जदि राज्य सरकार जो विभिन्न जगार रथजात्रा हवा कथा जदि रथ निर्माण पूर्व ये डिसीसन टे था तेज आज एत बटे परिस्थित उपजी न था कि राज्य सरकार जो निष्पत्ति सामूहिक लोकंर भक्तंर सर्वसाधारण स्वास्थ्यगत दृष्टि यह निष्पत्ति निगला केवल पूरी में ही रथजात्रा अनुषित हम ओडिशा के निष्पत्ति आसवा दरकार जेहेतु समस्त जीवन मूल्यवान एक समस्त जानते ये निष्पत्ति को आम स्वागत आशा करने पूर्व वर्ष भाई श्रृंखलित ढंग से चलित थर घोषजात्रा समापन हो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि शासक आम सहित आलोचना करते चिन्मयी आम अनेक प्रसंग तो रखी आप विस्तृत भाव प्रथम कही सारी कौन कौन सब टपिक आम आलोचना करवा रिपोर्टर मैंने आम सहित जोड़ी हे कि गोटे ब्रेक नहीं जावा ब्रेक पर स्वागत आम आलोचना करुचे सतेज सकाल खबर कागज शिरोनामा पलटि समस्त खबर को नहीं तेज निवेदिता जमीक आम आलोचना कर सारी अलरेडी जे रथजात्रा संक्रांति जहाँ संपर्क में जहाँ खबर रही से संपर्क में ता पूर्व रही मौसुमी ए दुईटी खबर आम जहाँ विस्तृत भाव में आलोचना करते तेज परवर्त खबर जी रही निवेदिता जी दादन श्रमिकों को नहीं हाइकोर्ट उद्वेग प्रकाश करते कारण निवेदिता आप जानते जे राज्य में दादन मान स्थित केमी कारण जिते बड़े दादन मैंने खटापी जाऊँगी कौन बाहर राज्य को किंतु आज पर्यंत राज्य सरकार से मौलिक सुविधा और सुरक्षित सुरक्षा दिगरे गोटे पदक्षेप नहीं नाहती कारण वर्तमान पूरा स्पष्ट भाव में उल्लेख रही खबर कागज रे जे दादन श्रमिकों मौलिक आवश्यकता और से आईनगत सुरक्षा विपन्न हो पड़ हाइकोर्ट वर्तमान उद्वेग प्रकाश करुछंती बलांगीर जिलार जे दादन श्रमिक निखोज हो दीर्घ वर्ष पर ठाब कर जे घटना को नहीं हाइकोर्ट उद्वेग प्रकाश करमिक मान जो निजुक्ति नहीं सरकार कौन पदक्षेप नहीं सेने की मध्य एक जारी कहते दादन मान स्थित बर्तमान ओडिशा रे कौन एक कथा तो आप जानते हैं कहीं इस कथा जिते सामनाक आसला जिते बड़े कोरोनार स्थित आसला कोरोना समय अधिकांश लोक अधिकांश दादन बाहर राज्य रु घर को आसिले आउ ए कथा सेते बेले सामना को आसला आउ ए जो कथा वर्तमान आपण कहुतले जे दादन श्रमिक को रे हाईकोर्ट उद्वेग प्रकाश कर हाईकोर्ट एति पे उद्वेग प्रकाश कर बलांगीर रे जने दादन श्रमिक दीर्घ वर्ष होला से निखोज अछंति किंतु वर्तमान सुधा विषय में कौन से तथ्य ना सरकार को पाकरे ना जिला प्रशासन पाकरे आउ एने जिला प्रशासन को हाईकोर्ट रिपोर्ट तलब करते यार मध्य से जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते जिला बलांगीर जिला प्रशासन से हाईकोर्ट संतुष्ट ना यार मध्य हाईकोर्ट एक जे सरकार कम से कम स्पष्टीकरण दियंतु जे दादन श्रमिकों पर सरकार केते नियुक्ति सृष्टि करछंती कौन सब व्यवस्था करछंती तांको काही कि समरे बाहर राज्य उपर निर्भर रहबाकू पड़छी बाबदरे सरकार स्पष्टीकरण मागिछंती आ सबटु बड़ कथा होची ए खबर जतबे सामना को आसुची कोटना कोटी सरकार को एक बड़ झटका लागुची जो दादन श्रमिकों क्षेत्र रे चिन भाई सदाशिव सरफ आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ी अपडेट नवा सदाशिव जो कह बलांगीर जो दादन श्रमिक दीर्घ बर्षा से निखोज अच्छा बर्तमान पर्यटन कौन से स्पष्ट सूचना ना जिला प्रशासन पाखे जो हाईकोर्ट रिपोर्ट तलब करने हाईकोर्ट असंतुष्ट प्रकाश कर सरकार को रिपोर्ट मागिंट बास्तविक निजुक्ति संक्रांत सरकार दादन कौन सब व्यवस्था करते निजुक्ति सृष्टि होशार कहीं अगर राज्य पर निर्भर करवाक पड़ी वास्तविक आप जानवाक चाहिए बलांगीर जो दादन श्रमिकों निखोज खबर बर्तमान अच्छी प्रकृत से निखोज ना मृत एपर्त कौन स्पष्ट सूचना आसला कि बाबद कहीं हाईकोर्ट असंतोष प्रकाश कर हाँ निवेदिता बलांगीर जिला पटनागढ़ उपखंड गयलमरा गाँव में गयलमरा गाँव गौरवपुटा 2008 मसीह हैदराबाद को एक ईटा भाटी को काम करने को जाता किंतु सेठारु फेरी न पारिबारु तार स्त्री सावित्री पुटा 2008 मसीह एक मामला रुजु कर दिला ओके सदाशिव एक कथा जानवाक चाहिए जो श्रमिकों वर्तमान समय कौन सी सूचना ना से निखोज के मृत परिवार लोके जानना
परिवार लोके एने अभियोग करते कि कथा हाइकोर्ट में पहुंची हाइकोर्ट प्रशासन को रिपोर्ट मांगी और प्रशासन जो रिपोर्ट देखिए हाइकोर्ट संतुष्ट नहाँ जहाँ विभिन्न खबर कागज खबर सावेदिता ये मुझे इंटरप्ट करी जो कथ प्रश्न करुले वास्तविक भाव में 2008 मसीह से निखोज होते अक्टोबर 17 तारीख से निखोज होते आखापाखि 6 वर्ष पर माने 2014 डिसेंबर रे स्थानीय थाना रे तांको परिवार पक्षरु एतला जिया जाइतिला किंतु आज पर्यंत से नै कोनोसी रिपोर्ट आसे नै बा थाना रे अधिकारी माने ए संपर्क रे तांको परिवार लोकन को किछि अवगत करे नाथि वास्तविक से केउठी अछन्ति कोन तांको विषय रे कोनोसी प्रकार रो खबर नै सदाशिव वर्तमान पुलिस प्रशासन बा स्थानीय पुलिस कोन प्रतिक्रिया रखुछि हाँ आम पटनागढ़ पुलिस को पुलिस प्रतिक्रिया जानवाक चाहूँ से पुलिस कही गत पूर्वर 3-4 थर जाइला हैदराबाद तथा विभिन्न इटाभाटी और रेलवे स्टेशन रे अनुसंधान कर सुधा कौन फल मिल ना कि आम पुलिस जहाँ कौच गत 3 तारीख में हैदराबाद जा फेरी आसी ओके बहुत बहुत धन्यवाद सदाशिव सराफ आम बलांगीर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी तेज चिन्मय सब चिंताजनक कथा होउछि जो राज्य सरकार जितेबले अर्थात राज्य सरकार को रिपोर्ट मागिछंती हाइकोर्ट यार मध्य बलांगीर जितेबले एमती एक खबर आसला तेबे हाइकोर्ट दादन को कथा आसुछि राज्य रे नियुक्ति क्षेत्र केमती रहिछि नियुक्ति क्षेत्र रे राज्य केते जे गोटे बड़ सुजोग सृष्टि करिछि एक कथा समस्त जानिछंती जहाँ को नहीं अनेक समय रे मध्य प्रश्नवाची सृष्टि हुए जे आम ओडिसा रे काहेकि नियुक्ति मिलूनी जहाँ फल अनेक लोक दादन खटिबा पई जाउछंती किंतु विडंबनार कथा जे राज्य सरकार मध्य जो माने दादन खटिबा पई जाउछंती केते दादन श्रमिक अछंती ना से परिसंख्यान राज्य सरकार को पाखिरे अछि ना से माने केउभली स्थिति रे जाउछंती केमती सेठि रहउछंती ये सब दिगरे मध्य राज्य सरकार को पाखिरे कोनोसी खबर अछि कारण देखंतु ये कथा जेतेबले जो कथा आपण कहउतले कोरोना महामारी समय रे ये कथा सामना को आसिला जे राज्य सरकार एमानन को उपरे कोनोसी बा परिसंख्यान राज्य सरकार को पाखरे नाही बा राज्य सरकार एमानन को सुविधा सुजोग पई कोनोसी प्रकार आज पर्यंत पदक्षेप नै नाहती जहा अति विडंबनार विषय जे जेहेतु विधि व्यवस्था भीतर बड़ झटका चिन्हय को जाय पारे जे दादन को नियुक्ति देबारे सरकार कोटना कोटी विफल ए कथा सेतेबेले सामना को आछि सरकार को कोटे बड़ झटका लागुछि और हाई कोर्ट मध्य रिपोर्ट मागी छथि सरकार को कम से कम नियुक्ति क्षेत्र रे सरकार केते सजाग दादन प्रति केते दायित्वान एक कथा कम से कम सरकार स्पष्टीकरण रखंतु निश्चित भाबरे तबे निवेदिता आ एक बड़ खबर रहिछि जे केबे लाघव हेबो कंटी खाई दुख आपण जानिछंती जेहेतु मौसमी आसी सारिछि किछि समय पूर्वरो सुशांत जेमते हम सहित जोडी होतले कहतले जे प्रबल रो अति प्रबल वर्षा हेबो राज्य रे आ प्रबल रो अति प्रबल वर्षा जेतबेले होउछि बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होउछि सेतबेले समस्त नदी रे मध्य जलस्तर बढिबो आ नदी रे जलस्तर बढिले निवेदिता आपण जानिछंती बन्या परिस्थिति सृष्टि हुए जो नदी बंध गुड़िक दुर्बल थाए सेठारे बन्या परिस्थिति सृष्टि हुए जदि सही हिसाब से देखिबा तबे वर्तमान होउछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जे जाजपुर अंचल रो कंटीघाई जो कंटीघाई नदीबंध रही से आज पर्यंत मरामती हो पार नहीं नदीबंध दुर्बल अच्छी बारंबार लोक मैंने प्रशासन को जनावंट किंतु आज पर्यंत यह मरामती करा जहाँफल से वर्तमान भद्रक जिलार अन्यतम बन्या दुख जो घाई रही घाई जिते हुए से अधिकांश अंचल प्रभावित हुए जो अंचल प्रभावित हुए सेतेबेले गोटे राजनैतिक बयानबाजी हुए बन्या आशंका जितेबेले आसे सेतेबेले राजनैतिक बयानबाजी हुए किंतु परवर्ती समय रे स्थिति जो पूर्व अवस्था को फेरी आसे तबे जदि कहबा चिन्मयी चास विभिन्न खबर कागज खबर को नैछथि केबे लाघव होइबो कंटी खाई दुख एवं विशेष करी 170 मीटर ओसार एस्केप एवं 520 मीटर हेलानी तबे कोठरा कोठी गोटे बड बन्या आशंका मध्य चिन्मयी सृष्टि होउछि आरि मध्ये आपण जेमति कहुथिले पाणीपाग विशेषज्ञ कहउछन्ति जे लगाण वर्षा हेबो वर्षा द्वारा बन्यार परिस्थिति उपजिबो एरिया मध्ये भद्रक बालेश्वर तमाम जिला मध्ये प्रभावित हेबो ए बाबत रे आलोचना करबा विश्वजित पलाई आम प्रतिनिधि जोड़े छथि चिन्मय विश्वजित जदि कहबा भद्रक जिला पई गोटे बड़ विपद टाणी आने सबुबेले ए कंटी घाई जेउति पई ए कंटी घाई सबुबेले विपद को डाकी आने किंतु एबे कथा जा सामना को आसुछि 170 मीटर रो ओसार रो ए एस्केप एबे 520 मीटर हलाणी तबे कोठ ना कोठ गोटे बड़ विपद सामना करबा को जाउछंती भद्रकवासी वर्तमान पर्यंत प्रशासन कौन सब कार्यानुषान नेलाणी काई किना आगो को बनी आशंका करा जाउछि मौसमी मध्य ओडिसा छुई सालाणी देखंतु ये जो खाली कंटी घाई नुहे धामनगर भंडारपोखरी अंचल पाई चारोटी घाई अच्छी बाली घाई कथा कही पारिबा
ଗୌରାଙ୍ଗପୁର କଥା କହିପାରିବେ, ମଲିମାରା କଥା କହିପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ଘାଇ ରହିଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ, ଧାମନଗର ଏବଂ ତିଉଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି? ଏହା ଏକ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯାଜପୁରର, ଏହା ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଚକ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବାସୀ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟି ଘାଇର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇକି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ, ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି ଯେ କେମିତି ଆକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେମିତି ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ କଣ୍ଟି ଘାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଆଗକୁ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀର 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏହା ଭିତରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଘେର ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଧାମନଗରର ମଧ୍ୟ 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି। ତେବେ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଯାଉଛି, ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେର ରହିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ କଣ୍ଟି ଘାଇ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟି ଘାଇକି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯାଇ ସେଠି ବୁଲି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, ଦାବି ରହିଛି, ଦେଖ ଆଖୁଆପଦା ଯେଉଁ ଆନିକୋଟ ରହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହଉ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ନିବେଦିତା, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଦୀବନ୍ଧ ନା ମରାମତି ହୋଇପାରିବ, ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର କିଛି ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ ବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ପଶେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ କେବଳ ଯେ କଣ୍ଟି ଘାଇ କଥା କହିବାନି ନିବେଦିତା, ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ତମାମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଖୋଲାମେଲା ପଡିଛି, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଘାଇ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାର ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ବାସ୍ଫୋଟ ମାରନ୍ତି, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସରକାର ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଏତେ ସବୁ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯାଉଛି? କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି? ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଏବେ ସରକାର କଣ୍ଟିଘାଇ ଉପରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଯେ ଭିଲାଇରେ ଜୁମ୍ବୋ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଲ୍ର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସେଲ୍ର ଭିଲାଇ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ 114 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୁମ୍ବୋ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଉରକେଲା ସମେତ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ୍ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖାସ କରି ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନଥିବାରୁ କୋଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଷେକ ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ଯିଏକି ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନଥିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରା ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ସେଠି କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ଏୟାରଲିଫ୍ଟରେ, ଇଏ ସବୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ନିବେଦିତା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗରିବ ହେଉଛି ତାହେଲେ କଥା ସରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? କାରଣ ନିବେଦିତା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଯେ 21 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ତର୍ଜମା କରୁଥିବେ, ଅଡିଟ୍ କରୁଥିବେ, ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରୁଥିବେ,
ଦେବେ, ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ କାହିଁକି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? କାରଣ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନଥିଲା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆସିଥିଲା ମହାମାରୀ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ତା ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ସେଠୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ନିବେଦିତା। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦିବ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସେଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଭିଲାଇରେ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ମହାର, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ର ଭିଲାଇରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରକୁ ଫେରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକା ଦିନରେ ନୁହେଁ, କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେବେଠୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଭାଗ ହେଉ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ପୁରା ଦେଶକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠି ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁଠି ମହଜୁଦ ରହିଛି ସେଠି ସବୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଏବଂ ଆଜି ଗତକାଲି ଯେଉଁ କଥା ଛତିଶଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀର ଜୀବନଟିକୁ, ସେତେବେଳେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ହିଁ ଶେଷ ଭରସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ର ବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ସତେଜ ସକାଳେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସତେଜ ସକାଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5,235 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 726 କେସ୍, ପୁଣି 43 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଆରପାରିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ନୟାଗଡ଼ର ଖାଲି ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତୁଲାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ, ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ 14 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରୁ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକର ନଦୀକୂଳିଆବାସୀ, ପାଣି ଘରକୁ ଯାଇପାରେ 5 ପଞ୍ଚାୟତ, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସରିପାରୁନି ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ। ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ଗଜା ହେଲାଣି ଧାନ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବି ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। କରୋନା କାଳରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବ, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ, 80% ନାଗରିକ ଟିକା ନେଲେ ହାସଲ ହେବ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ପୁଣି ଗତିଶୀଳ ହେବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚୀନର କରୋନା, ଖେଳର ରହସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମହାମାରୀ ଘୋଷଣାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପେଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ହୁର ଭୂମିକା। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଫେଲ୍ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେପଟେ ମୋବାଇଲ ଓ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ସ୍ଥାନର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ।
श्रीलंका गस्त भारतीय दलर घोषणा शिखर धवन अधिनायक दायित्व भुवनेश्वर कुमार हेले उपअधिनायक टीम इंडिया चारि नुआ मुह जुलाई 13 दिनिकिया और टी20 सीरीज तेज चिन्मयी आम हेडलाइन तो देखुले आम सबुदिन सतेज सकाले जन जन अतिथि रखि था आम सका आहरी सतेज करने मीठा मीठा कथा शुनी था मीठा मीठा गीत शुनी था आज आम सहित जे अतिथि अच्छा से होती सस्मिता नाथ शर्मा जाजपुर जिले में घर तेरे पिलाटी दिन से अनेक स्ट्रगल करमी कला क्षेत्र में भी होती निपुण पिलादिन गीत गायबा और नृत्य करने को बेस भल पाती सस्मिता एवं जदि कहबा जे अभिनय जगत रे मध्य से पाद थापि सारिछंती चिन्मयी विभिन्न फिल्म रे से पार्श्व अभिनेत्री भाबे मध्य अभिनय करछंती एमती कि सीरियल रे मध्य से अभिनय करछंती हम सहित सस्मिता नाथ शर्मा मध्य जोडी गलेनी सस्मिता को सहित आलोचना करबा सस्मिता आपण को सते सकाळ को स्वागत केमती अछंती आम सहित सस्मिता नाथ शर्मा अच्छा सहित अधिक आलोचना करवा सस्मिता आपण को सती सकाल को स्वागत आ जानवा को चाहिए आप कमी अच्छा मु बहुत भल अच्छी समस्ते मुझे ये जानवाप चाहूँगी आपण मैंने सब कमी अच्छा कोरोना टाइम आम बेस भल अच्छु ठीक ठाक अच्छु स्टूडियो बसचु आप सहित कथा हो आउ आशा करछि आपण भल थिबे आपण को परिवार मध्य समस्ते भल थिबे बहुत भल अछंती मु भी भल अछि मो परिवार बाबा मा मो सान भाई भी बहुत भल अछंती निश्चिंत भरे सस्मिता लॉकडाउन समय केमति समय काटु छंती लॉकडाउन रे तो कहया पई गले अबिका मोर कॉलेज बंद अछि शूटिंग भी बंद अच्छी तो घरे ऑनलाइन क्लास होता सहित तो भी घरे माँ को भी साहय भी करोसई ड्रईंग करटिंग भी प्राक्ट कर निश्चिंत आम तो जानी आपठपढ़ा सहित अनेक जो कला क्षेत्र में निपुण आपणकर गुण रही भरपूर अच्छी निपुण कितु बास्तविक भाव में रोसे शिखिंट ना नहीं कारण आपत पूर्व कहते माँ को हेल्प करते हाँ रोसई माने एत भी शिखी जी भी शिखी से माँ शिखी ठीक अच्छे तेज सस्मिता आग को अनेक कथा आलोचना करवा चर्चा करवा कि बर्तमान गोटे सुंदर मीठा गीत शुणा कारण आम जानी भल गीत गाते अच्छा हो ठीक अच्छे तो को गीत माने हिंदी सुनिबे जोथरे कंफर्टेबल जो गीत हले चलिबो किंतु आमे गीत सुनिबा को चाहु आपन कठारो आज्ञा भजन ही गाई दौची ओके तो अबिका एत जल्दी भी मोर गीत भी किसी मन पड़ूनी तो मु भजन गाई दौची अरुआ चाउल दुब अरुआ चाउल दुब सब बंधु पछ के कटि जाऊ मोर लोता साथी थाउ बाब सब बंधु पछ के कटि जाऊ मोर लोता साथी थाउ बाब अरुआ चाउल दुब अरुआ चाउल दुब ओके सस्मिता बहुत सुंदर थिला सस्मिता आपण अभिनय करती गीत गाती एवं नृत्य परिवेशन करती यार मध्य आपण पाठ पढ़ु बीएससी नर्सिंग छात्री आपण अच्छा जदि वर्तमान समय लॉकडाउन कॉलेज सबकि बंद रही ढेर समय मिलू को घर लोक सहित बीतवाई तेज सस्मिता केमती अभिनय गीत नाच तारी मध्य पाठ पढ़ा केमती आपड़ सबको मैनेज करती
तो सबु सबु तो जहार जो कला नहीं जी जन्म होता है तो भगवान मत से कलार मत जन्म कर तो सबु थी भी मु आगे पाठटा को भी इम्पोर्टेन्स दिए तो प्लान कौन अच्छे आगे ना गोटे जेहतु नर्सिंग छात्री को रोगी सेवा करने सस्मिता क्वेश्चन रही जे जेहतु आप जो अभिनेत्री डांस करती हठात ही स्वास्थ्य सेवा मनोभाव केमती आसला सेटा तो मोर छोट बेलू ही थिला कि मु चाहूली कि जे नाई माने गोटे कथार गोटे कहते कि जे मानव सेवा नारायण सेवा बोली जो कहती तो मु प्राय क्षेत्र में मेडिकल वगैरह सब मु जाए तो मु सेटी देखे गोटे नर्स केमती गोटे रोगीर सेवा करुची गोटे रोगी से नर्स को केमती माने जेतिक सब आशीर्वाद दौंस तो गोटे कथार कहा जाए आशीर्वाद माने जदि से गोटे आशीर्वाद गोटे रोगी आशीर्वाद जदि तमे जदि पाइगल ताले तुम जीवन रो सब रास्ता तुम लागि फंगाय कहिले जे नर्स मानन को जो माने रोगी कर संपर्क थांते से माने अनेक आशीर्वाद दियंती रोगी मध्ये आशीर्वाद करंती या सहित किछि गाली मध्ये करंती आमे सुनि छै जे वर्तमान कोरोना सिचुएशन आपण जानि छथि हॉस्पिटल रे जोगुले स्थिति सेतिरे गाली मध्ये पड़े आपण केमथि सिचुएशन को हैंडल करबे गाली सी जदि गाली देवे सेटा को भी आमे भी मानिबू नाही हाँ आम आम द्वारा किछि जदि भूल हो जाए तो से माने हमको गाली दौंस तो ताको भी आमे भी माने सादर ग्रहण करिबू आउ केमिति सी भल हेबे केमिति निजर दायित्वटा से नहीं पारिबे सेटा होची आम कर्तव्य अच्छा ठीक है चिन्मयी बहुत भल कथा सस्मिता कहते जे मानव सेवा ही माधव सेवा वास्तविक सेवार मनोवृत्ति अच्छी से भाई एक क्षेत्र बाछी तेज सस्मिता आउ गोटे कथा जानवाक चाहबू आप रोगी सेवा करने को चाहते लोक सेवा करने को चाहते जो आप नर्सिंग कर आगक सेवा कर मनोवृत्ति रही तेज आगक आपणकर प्लां कौन अच्छी व्यक्तिगत भाव में आप कौन चाहती गोटे भल नर्स टीए लोक सेवा करेंगे ना अभिनय जगत में आप ढेर आगक जी गोटे बड़ अभिनेत्री नहीं मु तो अबिका दीटा ही मु स्वप्न रे माने स्वप्न ही मु देखुची मु अबिका रोगी सेवा भी करिया पई चाहूची तापरे भी गोटे भल एक्टर भी हवा पई चाहूची तो तू याडवारे अछि ओके मैनेज करि परिबे आपण दीटा दीटा जिंस को हैंडल करि परिबे काहे कि ना मेडिकल ले अधिक समय बितेबा को पड़बे श्योर बहुत भल कथा निहाती तेज सस्मिता घरे किए किए सब अच्छा फैमिली सपोर्ट केमती मिले कहीं बर्तमान समय आप जानते जो अभिनय जगत को मैक्सिमम प्राय घरे आक्सेप्ट करती निजे समस्ते चाहती पिला कटार यह आशा थाए जो पिला भविष्य गढ़ु पाठ पढ़ु गोटे भल चाकरी करूँ पर सपोर्ट केमती मिले जिते आप लाइन बाछले जो अभिनय करी कहीं आम जहाँ आम पाखे जहाँ सूचना रही आप पार्श्व अभिनेत्री भाव अनेक फिल्म रे अनेक सीरियल रे अभिनय कर सारी सपोर्ट केमती मिले फैमिली सपोर्ट केमती मिले कि के ब्रेक करना गोटे कथा हैला फैमिली सपोर्ट नथिले तमे कोनोसी काम ही तमे करि परिबनी आउ मु निजको एते लकी फील करछि कि मो फैमिली ही मते सपोर्ट करुचंदी मो माँ मो बाबा मो बड़ा अपा मो बड़ा माँ मोर भाई मोर सांग मो कॉलेज रो शिक्षक आउ शिक्षयत्री टीवी स्क्रीन रे कौन रिएक्शन थाय से मानकर कौन आपन को कहते तो कहते नाई तू भल करुचु आगे टे भल करने चेष्टा करू तो तू चेष्टा कले ही तू निहांती सस्मिता आपण बहुत भल कथे कहले जे चेष्टा कले ही आगो को समस्ते जाती चेष्टा रो ही सफलता मिलता है आपण मध्य ढेर आगो को जानतु आमे मध्य एही शुभेच्छा आपण को जणाइबो तबे सस्मिता आपण थारो अनेक कथा जानिबार अछि अनेक चर्चा करबा आलोचना करबा किंतु छोटो ब्रेक परे
ब्रेक परे स्वागत सत्य सकाल आज अतिथि अच्छा अभिनेत्री सस्मिता रथ शर्मा आम सहित आलोचना करुचे सस्मिता पाखक फेर चाहबू। सस्मिता प्रश्न रे जेहेतु आपण जे अभिनेत्री एवं विभिन्न प्रकार मुवीर मध्य आम जहाँ जाणी जे सीरीयल मुवि एथे काम करूवी एवं रियल लाइफ ये दुईटा क्षेत्र को जी देखा आप जितेबाला पर्सनाली क्या सहित मीट कर पर्सनाली जमी से सहित इंटराक्ट करती मुवि कर्म क्षेत्र में से सहित बंडिंग केमती थाए कारण अनेक मुवि आप बॉन्डिंग तो सेमान हो सहित मोर बहुत भल थाए बॉन्डिंग न रहिले तो केबे भी गोटे अभिनेता हूँ कि अभिनेत्री हूँ कहीं के कम्फर्टेबल भाव कम करें तो बॉन्डिंग सब बेले भल रखा ही दरकार समस्त मानने आइदर को आर्टिस्ट हूँ बहुत बहुत कोऑपरेट करती मानने जहाँ भी किसी भूल जहाँ भी किसी भूल हेले से भी कह भी दिखते नाई सस्मिता तू एमती करू मान एटा को जी तू ये टाइप रू तो आहुरी बहुत भल गाली खाई डायरेक्टर प्रड्यूसर समस्त थे सीनियर आर्टिस्ट जी को आर्टिस्ट थी सीनियर थी डायरेक्टर प्रड्यूसर समस्त थे गाली खाई ना ना हाँ गाली तो खाई कांदे लगे बस कांदी दिए गाली को केमती रिसीव करंती तो सेटा को मु पॉजिटिव मु माने कि जे नाही हां एई जगह रे मोर किछि भूल हैला बोली से माने मते गाली कले तो तांको माने गालीटा ही मते उचित मार्ग को ही नबो। ओके सस्मिता केते स्ट्रगल करबा को पड़थला गुरुंग गाली बोली माने कि मु माने केते स्ट्रगल करबा को पड़थला केते डेडिकेशन रखबा को पड़थला ए जगह रे पहुंचबा पे कहिना समस्तक भाग्य रे नथाय एबले एक जगह रे निजरो स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परबा एते सहज नथाय केमते थिला आपनको स्ट्रगल लाइफ केमते ए जगह रे पहुंचले हटात पाठ पढारु एमते एक लाइन बाछिछंती आपन जेतु किछि त ओडे मन रे आशा थिबो किछि त ओडे भाबिथिबे स्ट्रगल तो मते बहुत भी करिया पई पड़ी मो सहित भी मो माँ भी स्ट्रगल बहुत करी चंदी तो तेणुक मो माँ को ही मु धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भी जनाऊँ कि नाई सी आज यदि मोपाई जी एत स्ट्रगल जब न करते हैं मुझे एत बाटर भी मुझे गुरु बाछी रही मोर तो ओडिया रे कहे गले मते सबुठ भल लागंती बाबूशान भाई मते बहुत भल लागंती आक्टिंग भी मते बहुत भल लागे आउ सीनियर आर्टिस्ट हिसाब से कहे गले आमर जी अबिका स्वर्गवासी हेचंती आमर विजय महांती सर आउ नमिता मैम अपराजिता मैम एमती सिंगर रे मु नमिता मैम को भी मु बहुत भल पाए आउ आउ बाकी रहिला आउ अबिका जेनरेशन रा आर्टिस्ट रे समस्त समान। ओके सस्मिता प्रथम पाच जते बेले आपण चढिले अभिनय जगत रे जते बेले प्रथमे सीरियल रु आपण करियर आरंभ करथिबे तापर फिल्म को एंट्री करथिबे काहर तो गुटे सपोर्ट रहिथिबो काहर तो गुटे रेफरेंस रहिथिबो काहर तत्वधान रे आपण आगु को जाइथिबे सेंति के रहिछंति तांको ना आपण आज स्क्रीन ने शेयर करबा को चाहिबे आज जदि मुझे ये मान स्थल आज पाद दे लाइन में आज जी पाद दे तो सी हूँ हृदानंद साहू मुझे बहुत माने द्वारा ही मु सीरियल रे फर्स्ट टाइम पे पाद रखी थी आउरी दया रु ही आज प्रथम सीरियल कौन थी सस्मिता जानवाक चाहिए प्रथम सीरियल आपण थी बर्तमान पर्यटन से समय बर्तमान पर्यटन आपकटा फिल्म करके सीरीयल कर केवटा अधिक आत्मसंतुष्टि आपन को खुशी लगी कि हाँ यटारे गोटे भल मत लोक चिन्हिले लोक जाणिले कौटा आपन को आत्मसंतुष्टि प्रथम सीरीयल आपंकर कौन थी मोर प्रथम सीरियल थिला शंखा सिंदूर जोटा कि तरंग चैनल रे दोथला
तो तापरे मोर सबुठ बहुत बड़ इच्छा थिला कि नाई मु बाबू भाई सहित करी जा हो भगवान को दया रु मते तांको सहित भी गोटे सुजोग मिलला सुना पिला टिके स्क्रू ढिला फिल्म रे तो सही टाइम मते सबुठ खुशी देथिला तो मुझे से ऑफर जो पाइली कि नाई तो सस्मिता तुम ये करुच बाबू भाई भौणी क्यारेक्टर करुच तो मु बहुत खुशी हो जाती से बहुत खुशी थी। ओके सस्मिता बहुत करछंती कि जदि करिना किए से मनर मनीष अच्छा सेटा सस्पेंस रे अछि सेटा मु अभिकम काहो किछि जणो स्क्रीन रे कहबे नै टिके इसगिस मने करछन्ती एटा सीक्रेट त ठीक अछि सस्मिता आमे आशा करबो आपन हो जेतले मैरिज करबे सेतले हमको डाकंतु इनवाइट करंतु आमे मध्ये जिबु तबे सस्मिता नेक्स्ट क्वेश्चन टिके कंट्रोवर्शियल आड़ को आमे जाउ छे जेतु हॉलीवुड जगत रे आमे जानि छे अनेक दिन तले जो चर्चा आउतिला जे वास्तव के उपरे गोटे महिला पई सेतिके कष्टदायक होइथाय कारण अनेक प्रकार से शोषण शिकार हाँपाई पड़े आपड़ जेहेतु जो महिला एंट्री मारी बॉलीवुड रे क्षमा करेंगे हॉलीवुड रे तो कौन सब स्ट्रगल रही सेमती किसी सिचुएसन आप फेस करना ना सेमती किसी लोकों आटीच्यूड देखी ना 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 सेमती तो मुझे किसी देखी तापर भी मो मत से सब कहीं भी मत एम प्रश्न करना कि नाई तुम्हें एमती कर सेमती कर मत सेमती कहीं कही ना आदि भी मत से कहते हैं मुसबू को बारण करी कारण मत भी पसंद ही आसे। ओके सस्मिता आ गए कथा जे जमती आम चिन्मयी पचारे जे सस्मिता मनर मनीष किए अच्छा से टी स्क्रीन सेयार कर पारना ठीक अच्छे सब झीवर सिक्रेट थाए सस्मिता तेज सस्मिता केत प्रपोज करतमान पर्यटन केतेज मन भागी सस्मिता सेमिता कहि हबानी स्कूल लाइफ रे भी प्रपोज माने असंख्य आपण कहि परबेने माने स्कूल लाइफ रे भी करि चंदी प्लस 3 लाइफ रे भी कर नाही सेमिता त मु कहि परबिनी। ओके के रही निवेदिता एमती भी थाई परंती जे मन रे भाबुतिबो ता हार्ट माने से हार्टली निजे निजे आपे आपे तर साइड हेतिबो ता मन भांगी हेतिबो सेटा हिसाब तो सस्मिता देई परबेनी ना जो माने प्रपोज करथिबे से मान को हिसाब देई परबे जेहेतु सस्मिता गोटे अभिनय जगत रे पाद थापी छंती एवं आगो को बहुत ब्राइट आमे अनेक कथा होची सस्मिता ठार गोटे खूब सुंदर डायलॉग सुनबा सस्मिता आपण को जो टाइप रो से विलेन कैरेक्टर रो हो किबा गोटे फुलेई झियर रो हो किबा हीरोइन रो हो जो कैरेक्टर बेसी पसंद तार गोटे सुंदर डायलॉग सुनबा तुमर बाबा माँ अच्छा कौन मोर बाबा माँ ना तुम बाबा माँ तुम भल चिंता कर मो बाबा माँ मो भल चिंता करूना मु बा हेबी देव निश्चय बाहबी बहुत बढ़िया एटा एक्चुअली मोर गोटे म्यूजिक वीडियो रो डायलॉग टा थिला तो सेटा ही हटात कि माइंड रे पळे आछी। ओके बहुत सुंदर सस्मिता आमे आपणकर आपणको शुभेच्छा जणाइबो पूरा अर्गस परिवार तरफरु चिडबैंक तरफरु मो तरफरु आपणको ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना आपण ढेर आगो को जानतु एवं ना करंतु एवं आमे आपणको हॉलीवुड रे गोटे लीड कैरेक्टर रे आगो को जेमते देखिबो आमे आपणको से शुभकामना जणाउछु ते बहुत बहुत धन्यवाद आपण आमो सहित जोडीले आमो सहित आपणकर आपणको मेमोरी आमो सहित शेयर करले आपणको व्यक्तिगत वृत्तिगत जीवन बेसरे मध्ये आमो सहित आलोचना करले ते चिडबै आमे विभिन्न प्रसंग रे तो सत्य सकाळे आलोचना करते सहित आम प्रतिनिधि मैंने विभिन्न प्रसंग में आमको अपडेट दौले अतिथि आम सहित रही है सब जमी दर्शकों मुड को टी फ्रेश करने अतिथि आनी था सेमती अतिथि सस्मिता रथ शर्मा आम सहित अभिनेत्री जोड़ी होती है सहित मेमोरी सब आम सहित सेयार कले तुम निवेदित समय सर बर्तमान सत्य सकाल के रखा नमस्कार नमस्कार।